फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे CHSL में इंग्लिश के टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश को बड़ी आसानी से इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब तक हमारी मेंटालिटी अभी तक कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाई कि हम इंग्लिश के सेक्शन को कैसे सॉल्व करें। जो हमारे 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर हमने उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश की, उन क्वेश्चंस के लिए अच्छे से तैयारी की, तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश को अगर आपने बिल्कुल भी लूज तरीके से लेने की कोशिश की, आपने बिल्कुल जनरली उसको समझने की कोशिश की, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। हमेशा याद रखो, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे CHSL में, किस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, कैसे क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि CHSL की इंग्लिश की आपकी रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस, जैसा कि कुछ लोगों ने डिमांड भी किया था, टॉपिक वाइज क्लासेस चलती रहेंगी, रेगुलर आपके वीडियोस आते रहेंगे। जिस तरह की आपको डिमांड हो वो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते रहिए, उसी हिसाब से वीडियोस आपके लिए बनाते जाएंगे। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को या इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करें CHSL के लिए। CHSL में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पैसेज के क्वेश्चन, इनकी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे और यही स्टूडेंट को ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चन इतने परेशान CHSL में नहीं करेंगे। अगर हम देखें कि अगर अपनी ग्रामर के टॉपिक को स्ट्रांग बनाना है, हमें ग्रामर वाले टॉपिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है और नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक को भी अपना लेके चलना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए। टारगेट ये होना चाहिए कि 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन हमारे 100% किसी भी तरह से सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश के ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जहाँ से बड़ी आसानी से आप 22 से 23 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ग्रामेटिकल टॉपिक में अगर देखा जाए तो नाउन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नाउन सबसे जरूरी टॉपिक है। नाउन के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा नाउन आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन नाउन को समझने के लिए, नाउन के आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि नाउन अगर आपको अच्छे से आता है तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन भी आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। और नाउन और प्रोनाउन अगर आपने बड़े अच्छे से सीख लिया तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव आपके लिए बहुत आसान होने वाला, क्योंकि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो मोस्टली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर आप एडजेक्टिव तक पहुंच गए तो एडवर्ब और वर्ब ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या हुआ जाकर के, नाउन। और नाउन में हमें किस तरह की चीजें सीखनी है, बिहेवियर ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमें नाउन स्ट्रांग मिल जाएगा एक तो, दूसरा हम ये पहचानना सीखेंगे कि नाउन को हम पहचाने कैसे। मोस्टली नाउन के बारे में लोग अपनी डेफिनेशन दे देते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, लेकिन कंपटीशन में क्या डेफिनेशन आती है, क्या कंपटीशन में डेफिनेशन की जरूरत है? हमें आज ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि मेरे देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक छोटी सी बात है कि दुनिया में हर वो चीज जिसको हम किसी भी तरह से टच कर लें वही हमारे लिए क्या होगा, नाउन। जैसे हमने बोर्ड को टच किया तो बोर्ड क्या हो गया, नाउन। मार्कर टच किया, मार्कर क्या हो गया, नाउन। हम जमीन पर टच करके खड़े हैं, क्या हो गया, इस टी शर्ट को टच किया, क्या हो गया, नाउन। हेयर को टच किया, क्या हो गया, नाउन। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम जब नाउन को डिटेल में पढ़ाएंगे, जब नाउन को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाउन में हमें पढ़ना क्या क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, नाउन इन नंबर्स जिसे नाउन का बिहेवियर भी कहते हैं, नाउन इन नंबर्स का सीधा मतलब है कि नाउन हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। उसके बाद आजकल का सबसे बढ़िया टॉपिक जो नाउन में सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चन नाउन के पूछे जा रहे हैं वो है नाउन एंड केस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल नाउन से किसके आ रहे हैं, नाउन एंड केस के। जेंडर को भी छोड़ना नहीं है, हालांकि जेंडर के क्वेश्चन SSC और बैंकिंग में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कहीं एक भी क्वेश्चन फंस जाता है तो इस तरह से जेंडर को भी हम नहीं छोड़ेंगे। नाउन में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नाउन एंड जेंडर को भी देखना पड़ेगा। अगर आपने नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि केवल नाउन को क्लियर करने से 60% ग्रामर हम बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, केवल 60%, क्योंकि नाउन आता है तभी प्रोनाउन आएगा,
तो नाउन प्रोनाउन आता है तभी एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव आया तो एडवर्ब के बारे में सोच सकते हो, एडवर्ब वर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमेशा याद रखो इंग्लिश ग्रामर एक चेन सिस्टम की तरह काम करती है। सीधी सी बात है, आपके साइकिल और बाइक में चेन लगी होती है और चेन की एक कड़ी टूट जाए तो क्या लगता है आगे की कड़ी काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं काम करेंगी। इसी तरह ग्रामर CHSL के लिए अगर ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे समझना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट अगर हमारा छूट गया तो उस चेन सिस्टम की वजह से वो चेन टूट जाएगी और उसमें आप आगे के कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझ सकते। नाउन को समझने के बाद हमें क्या देखना होगा, प्रोनाउन की तरफ जाना होगा, प्रोनाउन का यूजेस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे, प्रोनाउन में किस तरह से हम प्रोनाउन के यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन एरर्स में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आते हैं, प्रोनाउन में हमें रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव पे बेसक बहुत ज्यादा फोकस करना है जिससे कि किसी भी तरह की हमें कंफ्यूजन ना हो। प्रोनाउन को सीखने के बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। प्रोनाउन को सीखने के बाद हम किसको सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। एक बात बिल्कुल गाइस याद रखना, अगर आपने प्रोनाउन और नाउन अच्छे से पढ़ लिया, अगर प्रोनाउन और नाउन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप समझ लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप नाउन और प्रोनाउन का रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ये देखना होता जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन से आपको पता चल जाएगा और कैसे यूज करना है वो आप कहां यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल के टॉपिक में। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ऐसे मान के चलिए कि पूरी ग्रामर टिकी हुई है, केवल तीन आर्टिकल ए एन और द, और ये पूरी ग्रामर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट और डेफिनिट के बारे में जब हम सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट और पैराजंबल के कॉन्सेप्ट भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो इसके बाद आर्टिकल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर हम एडजेक्टिव की तरफ जाएंगे, जिसमें कि हम एडजेक्टिव के बारे में ये सीखेंगे किसे काउंटेबल की तरह यूज करना है और किसे अनकाउंटेबल की तरह यूज करना, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे नाउन से निकल के आएंगे, क्योंकि नाउन का सिंगुलर प्लूरल जब हम लोग सीख रहे होंगे तो वहीं से हमें पता चलेगा कौन नाउन सिंगुलर है, कौन प्लूरल, कौन काउंटेबल और कौन अनकाउंटेबल। उसी की तरह से हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बहुत सारी कमियां हम लोगों की इसमें होती है। हां एक बात गाइस और याद रखना, जब भी आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और वाईफाई स्टडी के चैनल पर पढ़ेंगे तो हर चीज की आपको ऐसी ट्रिक्स दी जाएंगी जो शायद ही कभी आपने देखी और सुनी हो। इसलिए हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि सेशन जैसे ही शुरू होगा वैसे ही आप लोग अपना मन लगाकर इसको पढ़ने की कोशिश करो, जिससे कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन इसका कोई भी कॉन्सेप्ट आपको किसी भी तरह से टफ ना लगे, क्योंकि आज तक सिर्फ आपने पढ़ने की कोशिश की और बाकी लोगों ने आपको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि एक बच्चा जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो 12th पास आउट है, पढ़ा लिखा तो पहले से ही है, अब उसको सिखाने की जरूरत है। सिखाने के लिए किसी ने आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम कोशिश करेंगे वाईफाई स्टडी के चैनल पर आपको पूरी तरह से सिखाया जाए, जिससे कि कभी आपको और दोबारा इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंग्लिश यहां पढ़िए नहीं, यहां पर इंग्लिश की बारीकियों को सीखिए, इंग्लिश को बारीकियों से सीखिए, जिससे कि किसी भी एग्जाम में जब आप बैठे तो आपके मन में यह हो कि यार इंग्लिश तो हमें आती है, किसी भी तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद फिर हम एडवर्ब की तरफ चलेंगे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और उसके बाद आगे के टॉपिक्स में नरेशन, वर्ब को देखेंगे, वॉइस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा जितना स्ट्रांग होगा नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक को सॉल्व करने में हमारी उतनी ही हमें आसानी होने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन में जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो बेस ऐसा रखेंगे कि बेस से सारी चीज़ें आपको समझ में आए, और सॉल्व करने के लिए ट्रिकी मेथड अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विदाउट ट्रिक्स के आप कभी अपना टाइम सेव नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक मेथड को अपना रहे हो एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट करोगे, टाइम टेकिंग सिचुएशन आ जाएगी। हमें सिर्फ अपने टाइम को सेव करना है, हम ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे जो ट्रिकी वे में आपके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दें, क्योंकि CHSL में इस बार कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन पाना ही है, ये ठान के चलिएगा, और अगर आप ठान लेंगे तो हम उसको पूरा कराने की कोशिश पूरी कोशिश करेंगे। ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ने के बाद फिर सबसे बड़ा डर जो स्टूडेंट्स का है वो है नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक में कि सिनोनिम्स कैसे तैयार करें, एंटोनिम्स कैसे तैयार करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे तैयार करें, idioms, phrases तैयार करें। तो आप हमेशा याद रखो, आपने जब भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में सोचने की कोशिश की,
सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पढ़ने की कोशिश की, तो जब भी आपने किसी से कहा होगा कि हमें अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो सिर्फ दो बातें आपको पढ़ने को सुनने को मिली होंगी कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद करो। कुछ लोग तो ऐसे ऐसी बातें बता देते हैं कि 10 मीनिंग सुबह याद करो, 10 मीनिंग शाम को याद करो। सोच के देखो, अगर आप लोग याद ही कर सकते तो उस पर्सन से पूछने की ज़रूरत क्या थी। अगर स्टूडेंट याद कर ले सारी चीज़ों को तो एक टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट को ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए कि वो कम से कम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सक्सेस मिले, क्योंकि आजकल पढ़ना कोई नहीं चाहता, चाहिए सब कुछ। तो हमें ऐसे तरीके बनाने होंगे कि बड़े आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। नाउन या प्रोनाउन सीखने के बाद हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके देखते देखते सॉल्व होंगे। कभी भी आपने नहीं सोचा सिनोनिम्स का मतलब होता है उसके जैसा ही एक वर्ड। अगर कोई वर्ड हमारा नाउन दिया गया है तो नाउन का सिनोनिम क्या लगता है, एडजेक्टिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। एडजेक्टिव का सिनोनिम कभी नाउन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। नाउन का सिनोनिम नाउन होगा और एडजेक्टिव का सिनोनिम क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। हमें आज तक यही नहीं सीखना आया कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट में ये सीखेंगे कि कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है तो वो नाउन है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम आपसे अगर कहें कि ग्रोथ की बात करें, GROWTS, क्या ये नाउन है या एडजेक्टिव है? तो या तो मीनिंग आना चाहिए इसका, ये तो एक बड़ा आसान वर्ड है, आप इसके मीनिंग की तरफ जाएंगे और बता देंगे कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करेगा। लेकिन हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में TH आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में MENT आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में NESS आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में DOM आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में TURE आ जाए, तो वो आपका 100% नाउन होगा। और इन्हीं वर्ड से आप फिंगर टिप्स पे अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स बिना याद किए आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि नाउन का सिनोनिम नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। इसी तरह की ट्रिक्स हम आपको एडजेक्टिव में बताएंगे कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आए, ABLE आए, IBLE आए, तो वो क्या होगा जाकर के? एडजेक्टिव होगा। और जब इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे पास होंगे तो देखिएगा आपका बड़ी आसानी से ग्रामर में सिर्फ तप यही चीज है कि याद करने के लिए प्रॉब्लम है। कितना याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखोगे कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, आज समझ लीजिए कि हम स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाने वाले हैं, कैसे कैसे उसको पढ़ाने वाले हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस दिन पहला सेशन स्टार्ट होगा उसी दिन से आपको ग्रामर बिल्कुल आसान लगने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा CSSL के कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाए आप 100% उनको सॉल्व करके दिखा देंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद हम चलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idioms phrases पर। इसमें हम ऐसे तरीके बनाएंगे जिसमें मीनिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो उससे भी अच्छी बात है, और आपको बहुत अच्छे से आगे जाने की कोशिश करनी है। हम ऑप्शन वाला मेथड अपनाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में कैसे हम किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे बनाने की कोशिश करें। गाइज, हमेशा एक बात याद रखो, जब भी हम कोई चीज़ आपको शॉर्ट में बताएं तो आपको बहुत कम समझ में आएगी, और जब हम उसी चीज़ का डिटेल दे दें तो आपको वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हमेशा याद रखो, जो डिटेल्ड ऑप्शन होता है वो मोस्टली सही होता है, और ये फंडा अपना काम आएगा idioms और phrases में। इसके बाद जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन वर्ड हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, एडजेक्टिव की, नाउन की, एडवर्ब की, किसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से हम अपने ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक जिसका जेहन हमेशा स्टूडेंट्स के मन में रहता, और मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर मिस स्पेल्ड का क्या किया जाए, मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। अगर CHSL में मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन आते हैं तो मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा। किसको बढ़ाना होगा? रीडिंग एबिलिटी। लोगों को रीडिंग एबिलिटी का सीधा सा मतलब भी समझ में आना चाहिए। जैसे हमने एक न्यूज़पेपर को उठाया और उसको पढ़ते जा रहे, तो गाइस ये रीडिंग एबिलिटी नहीं है, ये तो चीटिंग एबिलिटी है। जैसा लिखा गया वैसा चीट करके हमने उसको पढ़ लिया। हमें जरूरत है रीडिंग एबिलिटी की, और रीडिंग एबिलिटी तब आएगी जब जैसे कोई भी वर्ड लिखा हो, हमने लिख दिया मैनेजमेंट, हमने एक वर्ड का यूज किया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब हमने सीख लिया, मैनेजमेंट के बारे में जान लिया, ये तो हो गई हमारी चीटिंग एबिलिटी, क्योंकि उसका मीनिंग पहले से ही कुछ था और उसी को चीट करके हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिया। हमें सीखना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जिस दिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चलने लगेगा, जैसे हमने फ्रीडम लिखा, आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी तो हम एग्जाम्पल के लिए बड़े ही आसान वर्ड्स आपको दे रहे हैं, जब हम सेशन करेंगे नाउन का तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिखाएंगे जिनमें से
आपको पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कौन नाउन होगा कौन नहीं होगा। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें पता होंगे तो ये क्लोज टेस्ट में आपको बहुत आसान बनाएंगे, क्योंकि जब भी सिनोनिम सेंट्रोनिम सॉल्व करते हैं उसके बाद जो हमारा टफ टॉपिक होता है वो क्या होता है, क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट एक नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक का सबसे बड़ा पिलर है। क्लोज टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोगों की होती है, मोस्टली लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि इसका मीनिंग करो और इसका मीनिंग कनेक्ट करो, उसके बाद देखो किस वर्ड की जरूरत है उसके हिसाब से चलो। लेकिन कभी भी आप हमेशा देखिए कि एक सेंटेंस होता है उसका हमेशा एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर आर्टिकल होता है, फिर एडवर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद क्या होता है, नाउन होता है। हमें यह देखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हमारा जगह स्पेस है, सब्जेक्ट के बाद हमें कोई वर्ड फिल करना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद अगर मेन वर्ब दी गई है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। देख लो ऑप्शन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सुटेबल है, वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। अगर मेन वर्ब आपको पता करनी है तो वो भी टेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल। और यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि जब ग्रामेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक हमारा बड़ी आसानी से सॉल्व होने लगेगा। तो क्लोज टेस्ट भी हम लोग इसी आधार पे सॉल्व करेंगे कि नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव इनको बड़ी आसानी से देखते चलेंगे। हमें एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करनी है और ट्रिकी वे में समझना कि देखते ही हमें पता चल जाए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और जब हमारे पास ब्लैंक आए तो मेरे माइंड में उसका आंसर से पहले ये पता होने चाहिए कि हमें इसकी जरूरत किसकी है। हमें एडजेक्टिव चाहिए और ऑप्शन में जाके देखो एडजेक्टिव कहाँ है और तुरंत फिल करिए, बिल्कुल बिना मीनिंग के सॉल्व हो जाए। क्योंकि मीनिंग के द्वारा सॉल्व करने के लिए अगर आप जाओगे तो टाइम लगेगा और हमें टाइम ही तो सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए आप हमेशा याद रखो हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की, उसको सीखने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच आप किसी भी चीज को आगे से अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। उसके बाद जब हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, जो हमारा कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, इनको हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन कहा जाने लगा, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी कॉम्पिटिशन पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। इसलिए ऐसे हार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन वाले टॉपिक को बड़ी आसानी से समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी पर काम करना है, उसके लिए एक पॉइंट याद रखिए कि रीडिंग एबिलिटी जब आप बढ़ा रहे होंगे, जब आप SSC जैसे टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो उसमें सोशल इशूज से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक आते हैं, पॉलिटिकल इशूज पे आ जाएंगे। तो जब आप उनको पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, और जब आपके पास नॉलेज होगी तो वो दिया गया पैसेज आप चंद मिनटों में चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करते समय आपको मिनट लगेंगे, उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे तो वो मिनट आपके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सेकंड में। और जिस दिन सेकंड में कन्वर्ट हुए आपके मिनट, समझ लो उसी दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, क्योंकि हम अभी अपने टाइम ही तो नहीं सेव कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की ये होती है, जब भी कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा पेपर देने के बाद तो बस उसके जवान पे यही सवाल होता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें आता था लेकिन टाइम ही नहीं बचा। वो टाइम हम सेव कैसे करें, जब टाइम सेव होगा तो हमारे सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और बड़ी आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो टाइम सेव करने के लिए, टाइम में पूरा करने के लिए उन क्वेश्चंस को हमें ऐसी ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, उन ट्रिक्स को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब गाइज हमें यह देखना होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस में से अगर हम देखें तो आजकल 10 से 15 क्वेश्चन, और ये जरूरत पड़ी तो 15 से 20 हो सकता है, डिमांड करता है कि पेपर कैसा बनेगा। ये नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक से होंगे, किससे होंगे, नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक। और नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक का मतलब क्या है, इनमें सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, idioms phrases होगा, रीडिंग comprehension होगा, क्लोज टेस्ट होगा, और rearrangement के टॉपिक आएंगे। उसके 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक के। और रिमेन्स क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं वो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन से आएंगे, किससे आएंगे। और ग्रामेटिकल में आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीपोजिशन और आर्टिकल से आते हैं, किससे आते हैं, प्रीपोजिशन और आर्टिकल से। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हमें बनाने की टॉपिक किसी टॉपिक को जरूरत है तो वो है प्रीपोजिशन और आर्टिकल। जब हम प्रीपोजिशन और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस की ही जरूरत है। जब नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और ग्रामेटिकल के कम होंगे तो ग्रामेटिकल पे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके मन में रहता है कि यार ग्रामेटिकल के कॉन्सेप्ट तो उनके क्वेश्चन तो कम आते हैं, उनके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और नॉन ग्रामेटिकल पे ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक को आप तब तक
तक स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते जब तक आपका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि नॉन ग्रामेटिकल में अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मीनिंग्स रट रट के उसको सॉल्व करोगे, और जितना रटोगे उतना ही भूलोगे आप, क्योंकि स्टूडेंट की सबसे बड़ी फितरत होती है याद करना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, भूलना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। याद रखें भी तो कितना याद रखें, याद करें भी तो कितना याद करें, याद रख लिया कल भूल गए। जितनी तीव्र गति से स्टूडेंट सीख लेता है ना, उससे 10 गुना स्पीड से स्टूडेंट भूल भी जाता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्टूडेंट को सिलेक्ट ना हो पाने की। हमें ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि हम कम से कम कॉन्सेप्ट में अपने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, और कॉन्सेप्ट वो लेके आने जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व होते जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाने की हम लोग कोशिश करेंगे जिससे कि बड़ी आसानी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर CHSL, और वेट करिए हमारे सेशन का, एक एक सेशन को बारीकी से पढ़िए, और जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, जिसमें भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट करिए और उसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। और भी आगे अगर स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ी तो हम टाइम टाइम पर आपको स्ट्रेटजी बताते रहेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी, जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा कैसे टाइम को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम देना है इंग्लिश को, कितना किस टॉपिक को टाइम देना, आगे की स्ट्रेटजीज में हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। होप्स सो गाइस आपने समझ लिया होगा कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम होगा, मार्च के आसपास हमारा एग्जाम होगा, तब तक हमें सारी क्लियर करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, और इस तरह से पढ़ना कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। होप्स सो गाइस आपने पसंद किया होगा इस टॉपिक को, उसके बाद के टॉपिक अगर जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। और हाँ, हमारे जो सेशंस आने वाले हैं CHSL पर इंग्लिश के, उनको देखना आप ना भूलें, क्योंकि उससे आपको CHSL में बहुत आराम मिलने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, CHSL आपका क्रैक होने वाला है किसी तरह से। और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।